नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, जिस तरह से घर में किचन होना आवश्यक है, उसी तरीके से दोस्तों घर में सेप्टिक टैंक की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेप्टिक टैंक किस तरीके से आप बनवा सकते हैं और कुछ जो कॉमन गलतियाँ हैं दोस्तों उसको भी इसी वाले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं या फिर इसके साइज से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सेप्टिक टैंक का एक जो स्टैंडर्ड साइज है, जो कि नॉर्मल जो परिवार होते हैं उनके लिए, वैसे तो दोस्तों फैमिली मेंबर कितना है, घर में कितने जो है वो सदस्य रहते हैं, उसके अनुसार सेप्टिक टैंक का जो है वो साइज डिसाइड किया जाता है। लेकिन दोस्तों 6 फीट बाई 13 फीट का जो सेप्टिक टैंक रहता है दोस्तों, उसमें आप नॉर्मल परिवार से हैं दोस्तों तो आपका काम बिल्कुल जिंदगी भर चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 6 बाई 13 का बनवा लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेप्टिक टैंक में कितना चैम्बर होता है। दोस्तों, सेप्टिक टैंक में अमूमन 3 चैम्बर होते हैं। ये जो 2 चैम्बर होता है ना, बीच में पार्टीशन होता है 5 इंच का, तो दोनों चैम्बर दोस्तों कॉमन होते हैं। तीसरा चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ पानी आता है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये इनलेट है, ठीक है, ये इनलेट है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों सॉलिड वेस्ट और पानी साथ में गए, दोनों चैम्बर में दोस्तों वो इकट्ठा होंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक टेपर वॉल दिया जाता है, उसके मदद से वो उस वाले में जाएंगे। उस वाले में सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है, तीसरे वाले में फिर वो आगे चाहे आप सोक पिट बनवा सकते हैं, नहीं तो इस साइड आप सोक पिट बनवा लें, फिर दोस्तों ये आउटलेट की मदद से सोक पिट में पानी चला जाता है। ध्यान देंगे जो इनलेट है उससे दोस्तों आपका जो आउटलेट है, निकलने वाला पाइप है, वो 1 फीट नीचे होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये 3 चैम्बर है, तीनों चैम्बर के नीचे में आपको PCC ढलाई करवानी है। PCC बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको जो है वो सरिया वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ। नीचे में जो है वो PCC ढलवाना है, जबकि दोस्तों सोकपिट यानी कि सोखते गड्ढे में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलिंग करवा करके छोड़ देना है, PCC वगैरह आपको नहीं ढलवानी है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं जो बाहरी दीवार है आपका, वो आपको 10 इंच का, चाहे सोकपिट का हो चाहे सेप्टिक टैंक का हो, आपको 10 इंच का ही बाहरी दीवार रखनी है। अंदर की दीवार दोस्तों आपको क्या करना है कि 5 इंच का पार्टीशन वाला दे सकते हैं। जब बात आती है तो लोग ये भी समझते हैं कि क्या इसमें कॉलम देना चाहिए कि नहीं। तो आपको नॉर्मल अगर सेप्टिक टैंक बनाना है दोस्तों, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बीम वगैरह दे करके बिल्डिंग को एक्सटेंड करना था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम दिया गया है, वरना दोस्तों नॉर्मल सेप्टिक टैंक में कॉर्नर पे कॉलम देने की आवश्यकता नहीं होती है। बीम भी दिया गया दोस्तों, चूंकि आपको जैसे मैंने बताया कि इसको एक्सटेंड करना है, इसलिए दोस्तों वरना यहाँ पे बीम देने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल अगर दोस्तों आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं तो आपको जो है वो 4.5 इंच इसके साथ की ढलाई करवानी चाहिए, वरना दोस्तों अगर पार्किंग वगैरह इस पे बनाने की सोच रहे हैं, गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए, तो उसका मोटाई 5 से 5.5 इंच रखवा सकते हैं। 10 mm मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ दोस्तों 5.5 इंच का ढलाई करवाएंगे तो आप उस पर पार्किंग भी आसानी से रख पाएंगे। नॉर्मल सेप्टिक टैंक के लिए दोस्तों जो 4.5 इंच का ढलाई है और साथ ही साथ दोस्तों मेन बार 10 mm का और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोस्तों 8 mm का भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ये मेन होल कितना देना चाहिए, ये ढक्कन कितना होना चाहिए दोस्तों। तो आप देखेंगे दोनों चैम्बर कॉमन होते हैं, दोनों में से किसी एक में दोस्तों ढक्कन लगा सकते हैं, और ये वाला चैम्बर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए एक ढक्कन इसमें भी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों सोकपिट में भी एक ढक्कन आपको दिलवाना है। ढक्कन की साइज़ की बात कर ले दोस्तों, तो ये कम से कम 1.5 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई और लंबाई 2 फीट होना चाहिए, ताकि साफ़ सफाई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 1.5 फीट से बिल्कुल भी कम इसका साइज़ मत कीजिएगा, 2x2 कर सकते हैं, नहीं तो 1.5x2 कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में दोस्तों इसकी साफ़ सफाई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो कोई नीचे भी जा सकता है। वरना दोस्तों ये जो शटरिंग किया हुआ है ना, शटरिंग खोलने के लिए जाना भी पड़ता है, तो उसमें भी दोस्तों दिक्कत आती है, इसलिए दोस्तों 1.5x2 फीट का आपको मेन होल यानी कि ढक्कन के लिए जगह आपको रखना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ जानकारी है दोस्तों जो आपको मुझे देना था, तो मैंने तो अपना जानकारी दे दिया है, अब आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।